नमस्कार दोस्तों, इस अजीबोगरीब ट्रेवलॉग में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा 10 फॉसिल पार्क्स और 3 इको जियो मॉन्यूमेंट्स, जिन्हें GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिकॉग्निशन दी है। इस दूसरे एपिसोड में हम देखेंगे 8 जियोलॉजिकल मार्वल्स और 3 स्ट्रेटिग्राफी मॉन्यूमेंट्स। जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के कैटेगरी में जियोलॉजिकल मार्वल्स का पहला जियोलॉजिकल साइट आता है, नेचुरल जियोलॉजिकल आर्च तिरुमाला। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ियों के उत्तर में यह एक नोटिफाइड जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। स्थानीय भाषा में आर्च को सिला तोरणम भी कहा जाता है। आर्च चौड़ाई में 8 मीटर्स यानी 26.2 फीट और ऊंचाई में 3 मीटर्स यानी 9.8 फीट है और स्वाभाविक रूप से नेचुरल इरोसिव फोर्सेस के कारण यह आर्च मिडिल से अपर प्रोटोजोइक पीरियड यानी 1600 से 570 MA में बना था। पिछले कुछ डिकेड से मिलियन ईयर्स को MY, MYA, MYR या कैपिटल MYR लिखा जाने लगा है। 1980 के दशक में तिरुमाला पहाड़ियों में एक जियोलॉजिकल फॉल्ट के लिए खुदाई के दौरान भूवैज्ञानिकों ने इस रॉक आर्च के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को पाया, जिसमें 2 पतले लिंक के साथ चट्टानों की 2 भिन्न सेट हैं। आर्च का फॉर्मेशन इंटेंसिफाइड वेदरिंग और इरोजन के कारण हुआ। यह एक रेयर जियोलॉजिकल फॉल्ट है, जिसे तकनीकी रूप से जियोलॉजिकल डेफिनेशन में एपर्चर अनकन्फर्मिटी इन द रॉक लेयर्स कहा जाता है। एपर्चर अनकन्फर्मिटी अर्थ के क्रस्ट में रॉक लेयर्स में सडन चेंजेस एंड डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं। इसी स्थान पर एक तरफ कुडप्पा सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो 1600 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, और दूसरी तरफ आर्कियन चट्टानें हैं जो ग्रेनाइट, नाइस और डोलेराइट डाइक से बनी हैं, जो 2100 मिलियन ईयर्स से भी अधिक पुरानी हैं। दोनों एक दूसरे के पास पास हैं पर अलग अलग हैं। यह 1600 मिलियन ईयर्स से 2100 मिलियन ईयर्स का इतना बड़ा टाइम गैप पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में खूब बड़े टाइम इंटरवल का संकेत देता है। टूरिस्ट की आर्च की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच है, अगर कोहरा ना हो तब। आर्च के सामने एक सुंदर गार्डन है। सूर्यास्त का समय भी घूमने के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि यह आर्च सूर्य के प्रकाश में और भी अधिक आकर्षक और रहस्यमय लगता है। फुल मून के प्रकाश में यह और भी खूबसूरत दिखता है। तिरुमाला पहाड़ियों के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन तिरुपति है। निकटतम हवाई अड्डा तिरुपति से लगभग 15 किलोमीटर दूर रेनीगुंटा में स्थित है, जो चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है। नियमित बस सेवाएं आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे सभी राज्यों द्वारा संचालित की जाती हैं। जियोलॉजिकल मार्वल के अगली कड़ी में आता है एरामती डिब्लू। आंध्र प्रदेश के टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक और 9 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक, विशाखापट्टनम शहर के बाहरी इलाके में स्थित यह जगह एरामती डिब्लू के नाम से जाना जाता है। यह जगह बंगाल की खाड़ी के बहुत निकट स्थित है और विशाखापट्टनम के कई विरासत स्थलों में से एक है, जो एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। लाल रेत के टीलों को ढकते हुए कुछ 40 फीट तक ऊंचे एरामती डिब्लू में हरे भरे पेड़ों के पैच रेतीली पहाड़ियों के बीच से निकलते हैं। इन टीलों के अंतहीन घूमते हुए चक्रव्यूह में चलना दुनिया के इस हिस्से में एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना है। अगर आप अपने साथ एक जानकार गाइड रखते हैं तो यह एक आकर्षक अनुभव हो सकता है। पास में ही भीमुनी पट्टनम के पास स्थित एरामती डिब्लू साइट 12,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। वर्कला क्लिफ बीच। वर्कला, जिसे द पर्ल ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, भारत के केरल राज्य के 14 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट तिरुवनंतपुरम में एक नगर पालिका है। वर्कला केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम से 36 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है और कोल्लम शहर से 28 किलोमीटर साउथ में है।
वर्कला केरल का एकमात्र शहर है जहां अरब सागर से सटे वर्टिकल रॉक्स, जिन्हें क्लिफ्स कहा जाता है, पाए जाते हैं। आमतौर पर केरला के कोस्टल एरियाज फ्लैट ही होते हैं, पर यहां सेनेजोइक पीरियड के यूनिक सेडिमेंटरी रॉक्स क्लिफ्स फॉर्मेशंस पाए जाते हैं, जिन्हें वर्कला फॉर्मेशन भी कहा जाता है। इन चट्टानों के किनारों पर कई पानी के झरने और नेचुरल स्पा हैं। नेचुरल स्पा ऐसे प्राकृतिक जगहों को कहा जाता है जहां मिनरल रिच स्प्रिंग वाटर और कभी कभी सी वाटर भी पाए जाते हैं और जिनका उपयोग मेडिसिनल बाथ के लिए भी किया जाता है। 2015 में भारत सरकार और GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्कला क्लिफ्स को नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया। मियोसिन युग के क्विलोन फॉर्मेशन भी यहाँ वर्कोली में पाए जाते हैं, जो लाइम स्टोन से बने हैं, और सेनेजोइक पीरियड के वार्कली फॉर्मेशन सैंड और शेल से बने हैं। वार्कली फॉर्मेशन में लिग्नाइट की पतली सिम यह भी सजेस्ट करती है कि एक समय क्ले सेडिमेंटेशन के कारण यहाँ वेजिटेशन काफी रिच रहा होगा। कडाना एडी मार्किंग सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स। भारत के गुजरात राज्य के 33 डिस्ट्रिक्ट में से एक महीसागर जिले में माही नदी पर एक डैम है, कडाना एडी मार्किंग सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स। भूवैज्ञानिक वाद के संरक्षण, रख रखाव और संवर्धन के लिए आसपास में कडाना एडी मार्किंग सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI द्वारा भारत का राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है। हमारा अगला जियोलॉजिकल मार्वल है सेंड्रा ग्रेनाइट। सेंड्रा ग्रेनाइट राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। यह एक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है जो राजस्थान के पाली जिले में NH8 के साथ दिल्ली सुपर ग्रुप ऑफ मेटा सेडिमेंटरी रॉक्स का हिस्सा है। अरबों वर्षों में भूगर्भीय कारक जैसे हवा और पानी, डिकम्पोजिशन एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस के कारण अद्भुत रूप से मूर्तियों के आकार में बन गए हैं। सेंड्रा ग्रेनाइट एक इग्नियस बैथोलिथ है जो लगभग 11 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को कवर करता है। इसकी भूवैज्ञानिक आयु 900 मिलियन ईयर्स है। हवा और पानी के कटाव के प्रभाव ने उल्लू जैसी चट्टान, शेर जैसी चट्टान जैसे रूपों में ग्रेनाइट को परिवर्तित कर दिया है। यह इलाका रेगिस्तान की सीमा के बाहर है, इसलिए यहाँ बहुत सारे फॉरेस्टेशन और ग्रीनरीज भी हैं। यह जगह भूविज्ञान और अन्य विज्ञान के छात्रों, पर्यावरण प्रकृति प्रेमियों और सामान्य उत्साही लोगों के लिए एक आदर्श साइट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जियोलॉजिकल मार्वल पे, जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील, जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, एक नोटिफाइड राष्ट्रीय जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है। यह खारा झील महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक बुलडाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार में स्थित है। लोनार लेक प्लेस्टोसिन एपोच के दौरान उल्का पिंड की टक्कर से बनी थी। अनुमानित रूप से यह 10 लाख टन वजनी उल्का पिंड 22 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से धरती से टकराई थी, जिसके चलते 10 किलोमीटर के क्षेत्र में धूल का गुबार छा गया था। जब यह धरती से टकराई तो 18,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उल्का जलकर खाक हो गई और यहाँ 150 मीटर का गहरा गोल गड्ढा बन गया। लोनार झील 5 से 8 मीटर तक खारे पानी से भरी हुई है। लोनार झील का एवरेज डायमीटर 1.2 किलोमीटर यानी 3,900 फीट है और यह क्रेटर रिम से लगभग 137 मीटर यानी 449 फीट नीचे है। झील के पानी में विभिन्न प्रकार के लवण और सोडा पाए जाते हैं। शुष्क मौसम के दौरान जब वाष्पीकरण जल के स्तर को कम कर देता है तो बड़ी मात्रा में सोडा एकत्र कर लिया जाता है। दो छोटी धाराएं जिनका नाम पूर्णा और पेन गंगा है, झील में बहती हैं और ताजे पानी का एक कुआं भी झील के किनारे दक्षिण की तरफ स्थित है। डेकन ट्रैप्स के एरिया में होने के कारण लोनार लेक को शुरू में वोल्केनिक ओरिजिन का माना जाता था, लेकिन अब इसे इम्पैक्ट क्रेटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेक का शेप ओवल है। मीटियोराइट ईस्ट से 35-40 डिग्री के एंगल पर आया था। लोनार झील वर्ष के अधिकांश समय में सियानोबैक्टीरिया के कारण हरे रंग की दिखाई देती है। जून 2020 के शुरुआत में यह लेक 2 से 3 दिनों के लिए पिंक कलर की हो गई थी।
हेलोबैक्टीरियम का विकास हुआ था और कैरोटीनॉइड स्तर में वृद्धि हुई थी, जिसके कारण रंग में यह बदलाव आया था। अगला जियोलॉजिकल मार्वल है हमारा रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर राजस्थान के बारा जिला के मांगरोल तहसील में रामगढ़ गांव के निकट स्थित विंध्य श्रेणी के कोटा पहाड़ में 3.5 किलोमीटर व्यास का एक उल्का पिंड के गिरने के कारण बना गड्ढा है। इसे औपचारिक रूप से भारत के तीसरे गड्ढे के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके स्प्रिल्स में बहुत अधिक प्रतिशत लोहे का होता है, साथ में निकेल और कोबाल्ट भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। हमारी अगली कैटेगरी स्ट्रेटिग्राफी मॉन्यूमेंट्स में पहला नाम आता है तिरुपति एपर्चन अनकन्फर्मिटी। भारत के आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में तिरुपति तिरुमाला घाट सड़क पर स्टीप नेचुरल स्लोप्स सड़क के किनारों और खड्डों, रॉक स्कार्स और रेवाइंस में देखा जाता है। यह स्ट्रेटिग्राफिक महत्व का एक महत्वपूर्ण डिसकंटिन्यूटी है जो पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में उल्लेखनीय अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। एपर्चन अननोन फॉर्मिटी मॉन्यूमेंट की डिटेल्स से संकेत मिलता है। यह प्रोटोजोइक नागरी क्वार्ज और आर्कियन ग्रेनाइट के बीच की बाउंड्री सरफेस है। दोनों यूनिट्स के फॉर्मेशन के बीच का अंतर कम से कम 500 मिलियन ईयर्स का है। इस स्थान पर सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द कुडप्पा सुपर ग्रुप की आयु 1600 मिलियन ईयर्स और आर्काइन चट्टानों में ग्रेनाइट गनीस और डोलराइट डाइक है जो 2100 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने हैं। इस असंगति यानी अनकन्फर्मिटी पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में भारी समय अंतराल का संकेत देती है। अगला स्ट्रेटिग्राफिक मॉन्यूमेंट है जोधपुर ग्रुप मेलानी इग्निस सुइट। अरावली रेंज का एक जियोलॉजिकल फीचर है जो राजस्थान के जोधपुर शहर में मेहरानगढ़ किले के तल पर प्री कैम्ब्रियन एज की लास्ट फेज ऑफ इग्नियस एक्टिविटी का प्रतिनिधित्व करता है। मेलानी इग्नीशियस सुइट जो राजस्थान के थार रेगिस्तान का एक इंटीग्रल कॉम्पोनेंट है, पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और सिवाना के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए 45,500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस रीजन के लिथियोलॉजिक फॉर्मेशन को ईस्ट में विंध्याचल रेंज और वेस्ट में मारवाड़ रीजन का एक्सटेंशन माना जाता है, जो कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन शेल्स के बने सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इग्नियस एक्टिविटी के कारण पश्चिमी राजस्थान में इन चट्टानों के जमाव में लावा का एक मोटा ढेर बन गया। जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट मेलानी सुइट के संपर्क का बेस्ट एग्जाम्पल है। यह इरोजन कॉन्टैक्ट प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टानों के सबसे कम उम्र के इग्नियस और लेट प्रोटियोजोइक टू इकोसीन एज के बीच की कड़ी का काम करते हैं। स्ट्रेटिग्राफिक मॉन्यूमेंट्स के कैटेगरी में तीसरा और आखिरी जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एट सातूर। अर्थ क्रस्ट की जियोग्राफिक प्लेट्स जब प्रेशर और टेंशन के कारण संतुलन में नहीं रहती और जब भी प्लेटों में स्ट्रेच अधिक बढ़ जाता है अथवा रॉक्स के दोनों साइड से पड़ा प्रेशर उनकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, तब यह चट्टानें अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती हैं अथवा टूट जाती हैं। एक ओर की चट्टानें दूसरी ओर की चट्टानों की अपेक्षा नीचे या ऊपर की ओर चली जाती हैं। इसे ही जियोलॉजी में फॉल्ट कहते हैं। ऐसा ही एक फॉल्ट राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट के सातूर में पाया जाता है, जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एट सातूर कहा जाता है। ये फॉल्ट अरावली टेरेन और विंध्याचल बेसिन सेडिमेंट्स के बीच में है। तो ये थे 8 जियोलॉजिकल मार्बल्स और 3 स्ट्रेटिग्राफी मॉन्यूमेंट्स। अगले एपिसोड में हम देखेंगे 11 रॉक मॉन्यूमेंट्स और घूमेंगे 3 स्ट्रोमेटोलाइट पार्क्स में। आशा है वीडियो पसंद आया होगा।